हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल RAC ज्ञान में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस बार फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है। प्रैक्टिकल एग्ज़ाम 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में मार्च में स्टार्ट होने वाला है। सारे बच्चे खोज रहे हैं कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, इसीलिए मैं आप सभी के लिए ले आया हूँ 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चन ITI के फर्स्ट ईयर RAC वालों के लिए, जो कि एग्ज़ाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इस सारे क्वेश्चन को नोट करिए और इसको ध्यान से पढ़िए। और अगर आपको हमारे ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में जुड़ना है तो स्क्रीन पे दिख रहे नंबर पर आप हमें मैसेज कर सकते हैं, वहाँ से मैं आपको ग्रुप में जोड़ दूँगा, जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट एवरी सैटरडे को दे सकते हैं। और दोस्तों, आप आगे से मेरी वीडियो को सुन भी सकते हैं, जहाँ से मैं अपने साउंड को अपलोड करूँगा, आप वहाँ से मेरे सिर्फ साउंड को सुन सकते हैं बिना देखे। सारे टॉपिक्स वहाँ पर क्लियर होंगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको कौन सा क्वेश्चन पहले से मालूम थे और किस क्वेश्चन पे आपको प्रॉब्लम हो रही है समझने में, ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए शुरू करते हैं अपने वीडियो को। पहला क्वेश्चन है हमारा कि वे कटिंग में प्रयुक्त छेनी है। ऑप्शन ए फ्लैट छेनी, ऑप्शन बी क्रॉस छेनी, ऑप्शन सी राउंड नोट छेनी और ऑप्शन डी डायमंड पॉइंट छेनी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है हमारा, नीचे चित्र में प्रदर्शित चित्र में किस प्रकार की रेताई दिखाई गई है। ये जो रेताई हो रही है वह किस प्रकार की रेताई है। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है क्रॉस रेताई, दूसरा ऑप्शन है ड्रॉ रेताई, तीसरा ऑप्शन है स्ट्रेट रेताई और चौथा ऑप्शन है कर्व्ड रेताई रेताई। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, ड्रॉ रेताई। अगला क्वेश्चन है हमारा, हेक्सा ब्लेड में मोटे दांत की पिच होती है कितने एमएम की होती है, ये जानना है हमें। ऑप्शन नंबर ए 0.5 मिमी, ऑप्शन नंबर दो 0.8 मिमी, ऑप्शन नंबर तीन 1.8 मिमी और ऑप्शन नंबर डी 1.0 यानी 1 मिमी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 1.8 मिमी। अगला क्वेश्चन है हमारा, रूल किस प्रकार का यंत्र है। इसमें भी 4 ऑप्शन पिछले क्वेश्चन की तरह दिए हुए हैं। ऑप्शन नंबर ए लंबाई मापने का, ऑप्शन नंबर बी भार तौलने का, ऑप्शन नंबर सी समय नापने का और ऑप्शन नंबर डी हाई स्पीड स्टील का। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, लंबाई मापने का। अगला क्वेश्चन है हमारा, माइक्रोमीटर की अल्पतमांक कितने माइक्रोन की होती है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन नंबर 2 10, ऑप्शन नंबर 3 100 और ऑप्शन नंबर 4 इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा 10। अल्पतमांक जो होता है माइक्रोमीटर का वह 10 माइक्रोन का होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, स्निप का पदार्थ होता है स्निप कौन से पदार्थ का बना होता है। यहाँ पर स्निप को आपका इमेज जो है स्क्रीन पर दिख रहा होगा साइड में। अगला क्वेश्चन, इसका ऑप्शन दिए हुए हैं हमारे, हाई कार्बन स्टील, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर सी वैक्स और ऑप्शन नंबर डी कॉपर। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, हाई कार्बन स्टील। हमारे जितने भी हस्त औजार होते हैं वह ज़्यादातर हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं, टिकाऊ भी होते हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, राउंड बॉटम स्टेक प्रयोग किया जाता है, किस कार्य में प्रयोग किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए हल्के कार्यों के लिए, ऑप्शन नंबर बी चादर को मोड़ने के लिए और ऑप्शन नंबर तीन भारी कार्यों के लिए और ऑप्शन नंबर चार ये सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों अब ऑप्शन नंबर तीन, भारी कार्यों के लिए हमें राउंड बॉटम स्टेक का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा मार्किंग औजार नहीं है। ऑप्शन नंबर ए स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर बी दूसरा मतलब ऑप्शन स्निप, ऑप्शन नंबर तीसरा पंच और ऑप्शन नंबर चौथा डिवाइडर। निम्न में से कौन सा मार्किंग का औजार नहीं है। तो इसका सही उत्तर आएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर दूसरा बी, स्निप। स्निप जो है वह तो हम काटने के लिए यूज़ करते हैं, आप ही अब पीछे आप पढ़े हैं ठीक है। स्निप जो होता है वो हमारा काटने के यूज़ होता है, चादर काटने के। स्क्राइबर पंच और डिवाइडर जो होता है मार्किंग के औजार हैं ये सारे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसके द्वारा अस्थाई मार्किंग का कार्य संपन्न किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए स्क्राइबर, ऑप्शन नंबर बी स्निप, ऑप्शन नंबर सी पंच और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं।
तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पंच। पंच के द्वारा अस्थाई मार्किंग संपन्न किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? ऑप्शन नंबर ए 60 डिग्री, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर 3 120 डिग्री और ऑप्शन नंबर 4 75 डिग्री। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री का। सेंटर पंच का पॉइंट कोण कितना होता है? 90 डिग्री का होता है। अगला क्वेश्चन है, वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार किससे जुड़ा होता है? वर्नियर कैलिपर आपको स्क्रीन पर साइड में दिख रहा होगा, इसका डेप्थ बार जो होता है वह किससे जुड़ा होता है? ऑप्शन नंबर ए मेन स्केल से, ऑप्शन नंबर बी फिक्स जॉ से, ऑप्शन नंबर सी फाइन एडजस्ट यूनिट से, या फिर ऑप्शन नंबर डी मूवेबल जॉ से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए मेन स्केल से जो होता है हमारा वर्नियर कैलिपर का डेप्थ बार जुड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित एक्स भाग का नाम बताइए। यह जो आपको एक्स भाग दिख रहा है, मैं जूम कर देता हूँ थोड़ा, यह जो आपको एक्स भाग दिख रहा है इसका क्या नाम है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, ऑप्शन नंबर ए स्पिंडल, ऑप्शन नंबर बी एनविल, ऑप्शन नंबर सी थिम्बल और ऑप्शन नंबर डी बैरल या फिर स्लीव। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी थिम्बल। यह जो आपको एक्स भाग दिख रहा है, अंक दिखाया गया है, यह हमारा थिम्बल है। अगला क्वेश्चन है, हैंड फाइल बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर ए लो कार्बन स्टील से, ऑप्शन नंबर बी मीडियम कार्बन स्टील से, ऑप्शन नंबर सी हाई कार्बन स्टील से और ऑप्शन नंबर डी हाई क्रोमियम स्टील से। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हाई कार्बन स्टील से। हाई कार्बन स्टील से हमारे जितने भी हस्त औजार यूज होते हैं, जितने भी औजार रहते हैं, वह हाई कार्बन स्टील के बने होते हैं लगभग। अगला क्वेश्चन है हमारा, फाइल के भाग ए की पहचान कीजिए, या जब आपको ए भाग दिख रहा है जो अंकित किया गया है, यह कौन सा भाग है? तो इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है शैंक, दूसरा ऑप्शन है शोल्डर, तीसरा ऑप्शन है टैंक और चौथा ऑप्शन है टॉर्क। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी टैंक। यह जो आपको एक्स भाग दिखाई दे रहा है, यह क्या है हमारा? टैंक होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हवाई जहाज की बॉडी बनाने के लिए प्रयोग की जाती है। हवाई जहाज की जो ऊपरी हिस्सा बनता है बॉडी उसका, वह किससे बना होता है? ऑप्शन नंबर ए पीतल की चादर से, ऑप्शन नंबर बी एल्युमिनियम की चादर से, ऑप्शन नंबर सी स्टेनलेस स्टील की चादर से और ऑप्शन नंबर डी टीन लेपित चादर से। यह बहुत ही अच्छा सवाल है, इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी स्टेनलेस स्टील की चादर से जो है हमारा हवाई जहाज का ऊपर का हिस्सा बनता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, चादरों की मोटाई को किसके नंबर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? चादर की जो मोटाई होती है उसको किसके नंबर के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है ग्राइंडिंग स्टील से, दूसरा ऑप्शन है मानक वायर गेज से, तीसरा ऑप्शन है वायर मीटर से और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी मानक वायर गेज से जो है चादरों की मोटाई जो होती है उसके नंबर से दिखाया जाता है मानक वायर गेज की मदद से। अगला क्वेश्चन है हमारा, चित्र में किस कर्तन औजार को दिखाया गया है? यह जो आपको फिगर दिख रहा है, यह जो आपको चित्र है, यह कौन सा औजार दिखाया गया है? इसमें भी चार ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है बेंट स्निप, दूसरा ऑप्शन है स्ट्रेट स्निप, तीसरा ऑप्शन है ग्राइंड स्निप और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी स्ट्रेट स्निप। अगला क्वेश्चन है हमारा, राउंड बॉटम स्टिक किस धातु का बना होता है? ऑप्शन नंबर ए कास्ट स्टील, ऑप्शन नंबर बी कास्ट आयरन, ऑप्शन नंबर सी चांदी और ऑप्शन नंबर डी सोना। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कास्ट स्टील जो से हमारा राउंड बॉटम स्टिक बना होता है। अगला क्वेश्चन है, हाफ मून स्टिक ऊपर से होता है। ऑप्शन नंबर ए वृत्ताकार, ऑप्शन नंबर बी वर्गाकार, ऑप्शन नंबर सी आयताकार और ऑप्शन नंबर डी अर्धवृत्ताकार। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी अर्धवृत्ताकार जो होता है हमारा हाफ मून स्टिक जो होता है ऊपर से हमारा अर्धवृत्ताकार होता है। अगला क्वेश्चन है, चित्र में प्रदर्शित स्टिक की पहचान कीजिए। यह जो आपको चित्र दिखाया गया है यह कौन सा स्टिक है? ऑप्शन ए क्रीजिंग आयरन स्टिक, ऑप्शन बी फनल स्टिक,
ऑप्शन सी हाफ मून स्टेक और ऑप्शन डी हॉर्स स्टेक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी हॉर्स स्टेक। ये थोड़ा हॉर्स की तरह दिख भी रहा है इसलिए ये याद करने में आप लोगों को आसानी होगी कि इसका नाम हॉर्स स्टेक है। सो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। मैं ऐसे ही क्वेश्चन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो लाता रहूँगा। फिर अगली बार मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।